हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को हाई लो नेक की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सैंपल आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैंने एक पीस ले लिया है, डबल फोल्ड रखा है। तो यहाँ से मैंने 3.25 इंच पर निशान लगाया है और इसकी जो लेंथ है वो 3.5 इंच मैंने रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये नेक के ऊपर का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये कॉलर वाला भी नेक होता है, हाई लो नेक भी कहते हैं इसे। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर हमें 7 इंच पर ले रही हूँ, आपका जितना भी है आप ले सकते हैं। तो शोल्डर यहाँ से 7 इंच ली है मैंने और यहाँ से 7.5 इंच पर यहाँ पर मैंने आर्म होल का एक निशान लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, शोल्डर आ गया है। ऊपर का हिस्सा 3.5 इंच का हमने 3.25 इंच उसकी चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच उसकी लंबाई रखी है। अब नीचे से हमारा जितना भी हमारा कुर्ती है वो हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये 3.5 इंच का बॉक्स बनाया है मैंने। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट कट रहा है सिर्फ, अभी हमें बैक कट करना है। दो एक साथ भी रखकर आप लोग काट सकते हैं, फ्रंट एंड बैक, लेकिन कपड़ा वेस्ट क्यों करें, इसलिए मैंने पहले फ्रंट ही काटा है। अब यहाँ देखिए, बैक कट करना है। तो इस तरीके से ये जो 3.5 इंच का जो मैंने अलग से बॉक्स लिया है कॉलर के लिए, वो इस तरीके से हम रख देंगे और 1 इंच यहाँ से, सिर्फ 1 इंच ही हम इसे बढ़कर लेंगे। 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे अच्छे से हमें जमा देना है और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो शोल्डर थोड़ा सा मैं क्रॉस यहाँ से कट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 1.25 इंच उतना मैं यहाँ से बढ़कर रखूँगी, ठीक है। तो बैक साइड का इस तरीके से आपको कट करना है। बहुत ही खूबसूरत सा हाई लो नेक बनकर रेडी होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसीलिए आपको मैं सिर्फ सैंपल ही कट करके बता रही हूँ, स्टिचिंग भी करूँगी। आप लोग चाहे तो कुर्ती पे या ज़्यादातर ऐसे नेक ब्लाउज़ के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा कट गया है। अब यहाँ से देखिए, आर्म होल भी हम इसे कट कर लेंगे। अब ये हमारा इसे सेट में रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने पेपर फ्यूज़ लिया है। तो यहाँ देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ये भी मैं 3.25 इंच रख रही हूँ, जैसा कि हमने कपड़े पर रखी थी। और इसकी लंबाई भी मैं यहाँ 3.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, जैसे कि हमने फैब्रिक पर बनाया था। तो यहाँ से भी सेम ऐसे ही बॉक्स हमें बनाना है। अब नीचे से हमें जितना भी आपको नेक चाहिए लेना है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच का लेंथ रख रही हूँ नेक का। आप चाहे तो और बड़ा भी रख सकते हैं या छोटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, ठीक है, और यहाँ से 1 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये जो है कॉलर के लिए, इस तरीके से 1 इंच का हमें आराम से आ जाएगा। तो ये 3.5 इंच को यहाँ से 1 इंच पर मिला देना है। तो ये एक शेप हो जाएगा। अब ये शेप के अंदर आप लोगों को जैसा भी आप नेक का शेप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। आप अगर दूसरा शेप चाहते हैं तो वैसा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। तो ये शेप हमारा बन चुका है। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। तो 1/2 इंच को यहाँ से हमें थोड़ा सा कर्व शेप में इस तरीके से बना लेना है। अब ये हमारा हो गया है नेक का शेप, ठीक है, कॉलर का नेक का। अब यहाँ से देखिए, 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। कहाँ तक? सिर्फ 3.5 का जो हमने बॉक्स बनाया है ना, बस वहाँ तक ही हमें 1.5 इंच पर निशान लगा। अब नीचे से हमें 1/1 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो पीछे वाली कॉलर आ जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ 1.5 इंच का लगा रही हूँ। यहाँ से ओनली हमें 1 इंच पर ही निशान लगाना है, या 1.1 या 1.2 भी आप कर सकते हैं। ये हमारा नेक में आ गया। तो ये देखिए, हमारा नेक का जो शेप है वो बन चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही शेप से कट करके इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारा बनकर रेडी होता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल ईजी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, मैंने कपड़े पे इसे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से थोड़े से हम कट्स लगाकर इसे एक स्टिच लगा लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे पहले। ये हम जैसे कि नॉर्मल हम नेक को ऐसे लगा लेते हैं, वैसे ही हम इसे बना लेंगे।
जैसे हम नॉर्मली नेक बिठाते हैं वैसे ही इसे भी बिठा लेंगे। तो पहले सेंटर में एक स्टिच कर लेंगे हम, ऐसे ही कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से पक्की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, सेम ऐसे ही हमें सीना है जैसे हम नेक को स्टिच करते हैं। अब यहाँ से हम स्टिच करने के बाद में वैसे ही हम स्टिच करने के बाद इसे बीच में से हिस्से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे कट्स लगाकर अच्छे से प्रेस कर देंगे हम, ताकि जो हमें कॉलर बिठाना है वो आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कट्स लगाएंगे। अब इसे पलट लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेप आ गया है नेक का। अब इसे बैक साइड इसे जॉइंट करना है, तो इस तरीके से हम रखेंगे। तो यहाँ से शोल्डर्स को हम अटैच करेंगे इस तरीके से रखकर, यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने शोल्डर्स को रखा है। अब यहाँ पर देखिए कॉलर को थोड़ा सा हम इसे खोल देंगे और इस तरीके से हटाकर यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करें। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ छोड़ दिया है, सब उससे पहले ही मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पर छोड़ देंगे एंडिंग का। तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे और इस तरीके से कॉलर को ओपन करके कपड़े पर सिलाई लगाएंगे और वहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्टिच वहाँ पहले ही निकाल देंगे। ठीक है, तो वो निकालने से हमारा जो पीछे का कॉलर होता है उसे हमें जॉइंट देना होता है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों को हम मिलाकर यहाँ एक स्टिच लगा देंगे। बराबर जहाँ पर हमारा नेक पीछे का ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक स्टिच लगा के, देखिए इस तरीके से यहाँ निशान लगा कर बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से इसे हम स्टिच कर देंगे। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसे पलट देंगे। आप चाहे तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो नेक रेडी है हमारा, बहुत ही खूबसूरत सा नेक बन गया है। आप चाहे तो यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं मशीन से, यानी तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक हमारा रेडी है। तो हाई लो नेक ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।